हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन इस्लाम सावर एंड यू आर वॉचिंग नाउ आई एस अंसारी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस अंसारी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारा उजाला फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति 2019 के बारे में। कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और कितनी स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक तथा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि स्कॉलरशिप से जुड़ी जो भी जानकारी हो वो आपको लगातार समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन भविष्य सवारें। जी हाँ दोस्तों, अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति में यहाँ पर एक स्टूडेंट को 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जा रही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लखनऊ की न्यूज़ है ये, और इसके लिए ऑल यूपी में सभी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक परेशानी के चलते आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप जैसे होनहारों के लिए अमर उजाला फाउंडेशन लेकर आया है आशा की किरण, वह अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द भर दें। अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2019 के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है और यहाँ पर केवल 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 11वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में, ये 4 क्लासेस के स्टूडेंट ही यहाँ पर अमर उजाला के अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ देना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा विभिन्न शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी और इसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और एंट्रेंस टेस्ट में आए आपके मार्क्स के आधार पर ही आपको यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। फॉर्म भरते समय लिखित परीक्षा के लिए विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार शहर का चयन कर सकेंगे। इसके लिए 52 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसके साथ ही प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड से 9वीं से 12वीं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच पढ़ने वाले विद्यार्थी इस वर्ष छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग ले सकते हैं। विद्यार्थी का पिछली वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक होना अनिवार्य है। आपने जिस क्लास को अभी पास किया है, मान लीजिए आप 9th क्लास का फॉर्म भर रहे हैं, तब आपने जो 8th क्लास पास किया है उसमें 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। मिनिमम 60% मार्क्स होंगे तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो यहाँ पर 1.5 लाख रुपीज़ से कम होना चाहिए, मिनिमम 1.5 लाख रुपीज़ यानी कि तक यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेंगे। पिछली बार की तरह ही इस बार 9वीं और 10वीं के प्रादेशिक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 30,000 रुपये यहाँ पर बताया गया है। जो स्टूडेंट 9th और 10th क्लास के हैं उन स्टूडेंट को 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 50,000 रुपये की 18 छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट 11वीं क्लास के हैं और 12वीं क्लास के हैं उन स्टूडेंट को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और ये जो स्कॉलरशिप है वो केवल और केवल 36 स्टूडेंट को ही यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी जो कि एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ये सभी वेबसाइट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ से आप इन वेबसाइट पर विजिट करने के बाद अपना जो आवेदन फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्कॉलरशिप के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्कॉलरशिप से जुड़ी और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।